तो आज के वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे कैसे बनता है। तो हुक्स लॉ से हम लोग को मिल जाता है एम एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अब एक्स डबल डॉट प्लस के वाई एम एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है क्योंकि हम लोग दोनों तरफ एम से डिवाइड करते हैं। के वाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं तो इक्वेशन बनता है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स डबल डॉट को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक्स डबल डॉट को लिख सकते हैं डी बाई डी टी और ब्रैकेट में dx by dt। अब dx by dt को बाहर निकालते हैं और d by dt बचता है, तो d by dt ऐसे लिखते हैं और बीच में dx dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या है, dx by dt होता है v, तो v का डेरिवेटिव x से है और dx by dt v होता है, तो x डबल डॉट मिल गया v dv by dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो v dv by dx plus omega square x equal to zero। ओमेगा अपोजिट साइड ले जाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो वी का होता है वी स्क्वायर बाई टू, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू और एक कांस्टेंट आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग जानते हैं कि जब वेलोसिटी जीरो होता है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ये तो उसका यूज करते हैं, उसको पुट किए इस इक्वेशन में। देखिए आया ये, अब देखिए जीरो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए इक्वल टू जीरो, इसे ए का वैल्यू आता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू और अब ए का वैल्यू वापस, तो इक्वेशन बनता है वी स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। सब में टू कॉमन है, टू काट सकते हैं और ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके और टू काटने के बाद बचता है वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी को निकालते हैं तो अंडर रूट लेके प्लस माइनस दो वैल्यू आता है, इसमें से पॉजिटिव पार्ट को लेते हैं और इसको फिर रीअरेंज करते हैं, वी को ले देते हैं डी एक्स बाई डी टी और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एल एच एस में ले आते हैं और डी टी को आर एच एस में ले आते हैं, फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद बचता है ये, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन वर्स एक्स का होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आंसर आता है एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स निकलता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर हम लोग नेगेटिव यहाँ पे लिए होते इस पोजिशन पे तो हम लोग को ए इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी मिलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।